नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है और चरणवार चुनाव के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई है। इन सबके बीच आज हम आपको छठे चरण में किन किन जिलों में और किन किन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को होने वाला है, जो कि बिहार के 37 जिलों के 57 प्रखंडों में करवाया जाएगा, जिसके लिए 11,959 मतदान केंद्र का चयन किया गया है। वहीं 7,862 मतदान भवनों का चयन किया गया है, जिसके तहत प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो कि 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद आएगी स्क्रूटनी की बारी। स्क्रूटनी की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी के बाद पंचायत चुनाव में योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों के पास नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसके बाद इसी दिन चयनित उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित किए जाएंगे। सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद मतदान का आयोजन 3 नवंबर को करवाया जाएगा। वहीं मतगणना 13 और 14 नवंबर को करवाई जाएगी। ये तो हो गई नामांकन, स्क्रूटनी, प्रपत्र और प्रतीक आवंटन की बात। अब आइए जानते हैं कि किन किन जिलों के किन किन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का आयोजन छठे चरण में होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार छठे चरण में बक्सर, उद्वंत नगर, सहार, नुआव, नोखा, नासरीगंज, पुनपुन, मसौढ़ी, परवलपुर, बिहार शरीफ, बांके बाजार, शेरघाटी, आमस, सिरदला, मेस्कौर, गोह, मोदनगंज, दिघवारा, सोनपुर, बढ़हरिया, फुलवरिया, उचका गांव, वैशाली, राजापाकर, साहेबगंज, मोतीपुर, चकिया, कल्याणपुर, लौरिया, रामनगर, मेजरगंज, बेलसंड, पुरनहिया, दरभंगा, हायाघाट, बाबूबरही, अंधरा ठाड़ी, खानपुर, शिवाजीनगर, पीपरा, सोनवर्षा, कुमारखंड, दिल्लल, दिघल बैंक, पूर्णियापुर, डगरुआ, बरारी, कुर्सा कांटा, लखीसराय, शेखोपुर सराय, बरौनी, गढ़पुरा, खगड़िया, धरहरा, चकाई, खरीक, नवगछिया, बाराहाट शामिल है, जहां पर छठे चरण में मतदान का आयोजन होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही अब उम्मीदवार मतदाता के पास पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब बिहार में ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाए जाएंगे। ज्ञात हो 24 सितंबर से बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। इसमें 11 चरणों में मतदान होंगे। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी। इसके साथ ही मतदान और जनसभा को लेकर भी आयोग ने सारे दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।